माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय तृतीय संशोधन विधेयक 2023 पर विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के लिए और शिक्षा से हर दिशा के द्वार खुलने चाहिए, जिससे कि शिक्षा एक व्यापक क्षेत्र को लाभान्वित करे और व्यापक क्षेत्र शिक्षा से जुड़ उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बने। इसके लिए अधिकतम यहाँ पर शिक्षा के केंद्र खुले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी इसमें बहुत संवेदनशील है। उनका जो लक्ष्य कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय खुले, चाहे वो निजी हो या सरकारी, वो उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। और जब कंपटीशन होगा निजी और सरकारी में, तो निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर उठेगा, बढ़ेगा, और वह हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि शिक्षा का स्तर बढ़ भी रहा है और उठ भी रहा है। प्रतिस्पर्धा हमेशा अच्छे की ओर ले जाती है, प्रतिद्वंद्विता नहीं, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शिक्षा क्षेत्र में है। शिक्षा और शिक्षणेत्तर जितने भी इसमें पद हैं मिलेंगे तो रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, आम जनता तक शिक्षा पहुंचेगी, और इसमें इसके द्वारा आम छात्र को अच्छी शिक्षा उपलब्ध होगी, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक शिक्षा पहुंच सके। इस उद्देश्य से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि इसमें हम लोग नए नए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोले, अलग विश्वविद्यालय के लिए अलग नियम, पहले अधिनियम बनाए जाते थे, अब एक अधिनियम के अंतर्गत सब शिक्षा संस्थाएं खुलती है। निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019, उसके अंतर्गत यह नया विश्वविद्यालय जो कि खुलने जा रहा है टीएस मिश्रा लखनऊ में, मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर सदन अपना समर्थन दे। संशोधन प्रस्तुत करें, समझ के करना, क्योंकि क्योंकि रोज है नहीं, संशोधन की आवश्यकता नहीं है, तो ठीक है। इसमें इसको भी इसलिए कि हम रोज एक नया कर रहे हैं, और ये अपना ये तो मान लीजिए हमारे आदरणीय प्रोफेसर जी साहब बैठे हैं, तो इसलिए जो है इसमें तो संशोधन नहीं है। मैंने अरे हो गया बैठिए, आप जबरदस्ती थोड़ी बोल रहे, कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश प्रश्न यह, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय तृतीय संशोधन विधेयक 2023 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ के, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं गए। सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशा विचार, प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 3 तथा खंड 1 प्रस्तावना शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ के, सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं के। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव स्वीकार अतः खंड 2 से खंड 3 तक तथा खंड 1 प्रस्ताव और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने गए। मत संख्या 19, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय तृतीय संशोधन विधेयक 2023 पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि निजी विश्वविद्यालय विधेयक तृतीय संशोधन विधेयक 2023 पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ के, जो सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं के। सर्वसम्मति से यह पारित किया गया। नियम 103 के अंतर्गत चर्चाधीन प्रस्ताव